थ्रू आउट टूर्नामेंट से कह रहा हूँ, लोग समझते हैं कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं अपनी क्रिकेटिंग सेंस से बात कर रहा था कि हम फाइनल खेल गए ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली हम डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह हम फाइनल में पहुँचे सारी दुनिया को पता है, बस पहुँच गए हम, अल्लाह ने पहुँचा दिया हमें। वरना ओवरऑल अपनी आप कह रहे हैं कि बैटिंग रन्स कम थे, आप ओवरऑल बैट्समैन हो कि ज़रा पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस तो निकालें, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। तो फिर मैंने आपको कहा था कि ज़रा सिडनी से बाहर तो निकालें, निकले ना सिडनी से बाहर, तो यही होना था। मैंने आपको पहले बोला था अगर मेलबर्न की विकेट वैसी ही मिली जो टूर्नामेंट में हमें मिली है हम स्ट्रगल करेंगे, और हमने किया कि नहीं किया, ये होना था। और फिर दूसरा ये है कि जो मुझे आज का लगता है कि आप टॉस हारे, आपको पता है कि कंडीशंस कैसी हैं, फिर जो भी है आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया था 6 में 30। टी20 वर्ल्ड कप 2022 है, पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है 5 विकेटों से, ये पाकिस्तान को शिकस्त दी गई है। लेकिन एक टफ मुकाबला था, पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की क्योंकि पाकिस्तान ने रन ज्यादा नहीं बनाए थे, पाकिस्तान को कुछ ज्यादा रन बनाने चाहिए थे। अगर 20-25 रन पाकिस्तान के ज्यादा होते तो शायद इस वक्त सूरत हाल और फैसला और इस वक्त मामला तमाम चीजें दिखाएंगे। बहुत सारी क्लिप आने वाली हैं इस टॉपिक को लेकर, और पाकिस्तान जो कि आप देख सकते हो एक चमत्कारी तरीके से, एक मतलब मेरेकल ही हुआ जिस तरीके से वो सेमीज़ फाइनल पहुंचे, उसके बाद सेमी में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया और फाइनल खेल रहे हैं। हालांकि फाइनल में मेरे हिसाब से तो मैच उन्होंने अच्छा खेला, जिस तरीके की इंग्लैंड टीम खेल रही थी इंडिया के खिलाफ वैसा कुछ वन साइडेड नहीं हुआ, ये बात तो क्रेडिट देना पड़ेगा। और एक टाइम पर ऐसा कुछ फील हुआ था कि पाकिस्तान इस मैच को शायद चेंज कर सकता है, बट आखिरी में यही हुआ कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर था उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया, तो स्कोर 138 को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। zameen.com की खास बात यह है कि इस वक्त यह 100 से ज्यादा शानदार और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट को एक्सक्लूसिवली मार्केट कर रहा है, और 15,000 से ज्यादा रियल स्टेट एजेंट्स इसका हिस्सा है, 5,500 से ज्यादा इसके अपने खुद के एम्प्लॉयज हैं। तो यह है zameen.com। हम चलते हैं मोहम्मद आमिर की तरफ और पूछते हैं कि आज के मैच में हम क्यों हारे। जी हाँ, बस हार गए। आपकी नज़र में क्या हुआ, कहाँ 137 वहीं से मैच चला गया? यार देखिए, ये आज के मैच का नहीं, मैं तो थ्रू आउट टूर्नामेंट से कह रहा हूँ, लोग समझते हैं कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं अपनी क्रिकेटिंग सेंस से बात कर रहा था कि हम फाइनल खेल गए ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली हम डिज़र्व नहीं करते थे, जिस तरह हम फाइनल में पहुँचे सारी दुनिया को पता है, बस पहुँच गए हम, अल्लाह ने पहुँचा दिया हमें। वरना ओवरऑल अपनी आप कह रहे हैं कि बैटिंग रन्स कम थे, आप ओवरऑल बैट्समैन हो कि ज़रा पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस तो निकालें, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। तो फिर मैंने आपको कहा था कि ज़रा सिडनी से बाहर तो निकालें, निकले ना सिडनी से बाहर, तो यही होना था। मैंने आपको पहले बोला था अगर मेलबर्न की विकेट वैसी ही मिली जो टूर्नामेंट में हमें मिली है हम स्ट्रगल करेंगे, और हमने किया कि नहीं किया, ये होना था। और फिर दूसरा ये है कि जो मुझे आज का लगता है कि आप टॉस हारे, आपको पता है कि कंडीशंस कैसी हैं, फिर जो भी है आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया था, 6 में 39 था, एक आउट था, स्टार्ट अच्छा मिल गया था उस विकेट के हिसाब से। आपको ये पता, जैसे हमने सुबह बात की थी कि आपने विकेट को असेस करना है कि यार इस पे कितना रन हो सकता है या कितना हम कर सकते हैं, आप उस हिसाब से एज अ बॉलर एज अ बैट्समैन अपना गियर चेंज करते हो। 6 में इस तरह की विकेट पे 39 लगाओ, एक आउट हो, आप कहते हो कि ठीक है यार हमें स्टार्ट मिल गया, हम 160 तक फिनिश कर सकते हैं। हारिस की हम बात करें जी, बड़ा बड़ा टैलेंटेड, हमने सब ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि जिस तरह का उसका इंटेंट है, इंटेंट होता है साथ उसके साथ सेंस होती है, ये दो चीजें फिर आप बड़े प्लेयर बनते हो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आदिल रशीद को पहली दफा खेल रहे हो, पहला बॉल खेल रहे हो और आप निकल के मार रहे हो, आपने पूरा मैच आगे लगा दिया। आप इस तरह के चांसेस वहां पे लेते हो जहां पे आपको पता है कि ये फ्लैट विकेट है, आने वाले बैट्समैन के लिए भी इजी होगा, और इस तरह के विकेट्स पे आप दूसरे बैट्समैन पे नहीं छोड़ते, क्योंकि जो भी नया बैट्समैन आएगा वो स्ट्रगल करेगा। बेन स्टोक्स ने यही होता है, एक्सपीरियंस और गेम अवेयरनेस यही होती है, उसने क्या किया, उसको पता था कि यहां पे मेरी जगह कोई नया बैट्समैन आएगा उसको स्ट्रगल होगी। आप विकेट के साथ खेलते हो, मैंने आपको पहले भी बोला था पिछले शोज में, मैं एज अ बॉलर हमेशा बैट्समैन के साथ नहीं खेलता, मैं विकेट के साथ खेलता हूं। अदर वे अराउंड जाए तो बैट्समैन भी ऐसे होता है, वो बॉलर को नहीं देखता, वो विकेट को देखता है।
कि अगर मैं यहां पे आउट हो जाता हूं तो कहीं नए बैट्समैन को मुसीबत ना पड़ जाए, और यही बेन स्टोक्स ने किया और उसने गेम फिनिश किया, उसने दूसरों पर नहीं छोड़ा। वहां पे हारिस को चाहिए था कि बाबर आपके साथ कैप्टन खेल रहा है, वहां पे पार्टनरशिप बिल्ड करते, चार ओवर खेलते तो सही, 10 ओवर तक लेके जो जाते, वहां पे आप 70 किया होता, 10 ओवरों में एक आउट होता, आप 170 करते। मेरी नजर में मैच सारा खराब वहां पे हुआ है। हारिस के आउट से यस, तो इसमें कैप्टन को भी ये रोल प्ले करना चाहिए था कि वो हारिस को समझाते कि अब हमने रुकना है, लंबा खेलना है, जरा जज्बात पे काबू, तसल्ली से। फिर ऑब्वियसली जब आपका सीनियर प्लेयर सामने खेल रहा हो, स्पेशली कैप्टन खेल रहा हो, तो गाइड तो करता है, डेफिनेटली गाइड करता है, आपको उसकी सुननी भी चाहिए। मगर चूंकि आपने उसके थ्रू आउट जितने भी पिछले मैचेस देखे हैं, उसको आपने किसी की सुनते हुए नहीं मेरा ख्याल में देखा, वो अपनी गेम खेलता है, वो उसने आगे अग्रेसिव खेलना होता है, चाहे आमिर वो खेलते ही नहीं, वो बात है पावर प्ले की। हाँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप आदिल रशीद को पावर प्ले अभी खत्म हुआ है, पावर प्ले के बाद पहला ओवर है और उसको जिंदगी में आप पहली दफा खेल रहे हो, देखो तो सही वो किस पेस से बॉलिंग कर रहे। बिल्कुल आप ठीक है, मैं उधर ही आ रहा था। बात ये है कि हम उसको देखते आए हैं कि वो अग्रेसिव खेलता, मगर वो क्या था, जैसे आमिर ने कहा कि पावर प्ले था, उसमें आपको थोड़ी सी 19-20 भी शॉट लगे, जैसे आज नहीं लगी थी, तो अगर पावर प्ले होता तो बीच में गिर जाने थे। उसको गाइडलाइन लेनी चाहिए थी अपने कप्तान से, जैसे कहा कि अगर एक विकेट पे हम 70 करते तो स्कोर डेफिनेटली डिफरेंट होता। एक चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी आज, मैं पिछले कई मैचों से देख रहा हूँ, आज चूँकि हम हारे हुए, हम बात इसलिए बीच में करनी छोड़ दी थी कि लोग माइंड करते थे कि यार ये क्रिकेट से हट के बात कर रहे हैं ना। अब आप देखें, मैं बाबर की मिसाल दे देता हूँ आपको, मैं हैरान होता हूँ यार, हम एशिया की एशियन की टीम है, और मेरे लिए अगर मैं अगर बैटिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट रशीद और लिविंगस्टन होते, क्योंकि हमें स्पिनर खेलने पे हमें अबूर हासिल है। हमने सबसे कम स्कोर उन पर दिया। अगर आप उसका इफ्तार का एक ओवर देख लें, मुझे तो यूँ लग रहा था कि इंग्लैंड का कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है जिसको लेग स्पिन समझ ही नहीं आ रही यार, हम रीड ही नहीं कर सके। आप बाबर को देखो गुगली पे, वो कॉटन बॉल हुआ है यार, आप इतने बड़े प्लेयर हो, आपको गुगली जज नहीं हो रही। इससे पहले एक मैच में मैंने उसको गुगली पे बोल्ड होते हुए देखा, तो मैं हैरान होता हूँ कि यार देखें, जो अच्छा बैट्समैन, जो भी बैट्समैन अच्छा होता है ना, वो कभी भी बॉल देख के नहीं खेलता, वो बॉल जब हाथ से निकलता है तो जब रीड करता है तभी आपको पता चलेगा ना कि ये लेग ब्रेक है, ये फ्लिपर है, ये गुगली है। आप इस इट्स मेन के यार इतना स्कोर किया हुआ है आपने, आप लोगों को उसकी गुगली रीड नहीं हो रही। मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम के साथ बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं, मुशी करवाता है लेग स्पिन इनको कोच है, तो ये क्या इन चीज़ों, इन लोगों को ये नहीं पता यार, अगर मुझे इनका होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं है? अगर मुझे ना पता हो कि मैं गुगली पिक नहीं कर रहा, मैं तो जाके जैसे आमिर कहता था कि आकिब ने मुझे कहा कि भाई तुमने पूरे 2 घंटे इन स्विंग की प्रैक्टिस करनी है, तो गुगली की प्रैक्टिस करें आ गई ना, तो आप जाके कम से कम उसकी प्रैक्टिस तो करें। आप आउट हो रहे हैं उस पर यार, एशियन टीम हो के हम स्पिनर को, मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा स्कोर स्पिनर पर करना चाहिए था, क्योंकि आज बॉलिंग फास्ट बॉलर के लिए बैटिंग मुश्किल थी, वो भी हमने टाइम निकाल दिया और उसके बाद फिर हम 138 पे आउट हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिटिसाइज करने के लिए हैं, मगर बात यह है कि जब क्रिटिसाइज करो तो फिर लोग माइंड को देखना तो होगा ना। डेफिनेटली अब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि बहुत अच्छा थे, बेहतरीन खेले, मेरिट पे खेल के यहाँ पहुँचे, हार के वापस आ गए। फाइटिंग स्पिरिट डेफिनेटली टीम में मौजूद थी, लेकिन गलतियाँ भी हैं ना, उन गलतियों की तरफ देखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आप आगे बढ़ें, यहीं रुके रहना तो फिर फायदा। जैसे अभी विकी भाई बाबर से शुरू कर लेते हैं ना, बाबर ने 7 मैचेस खेले 124, फिर रिजवान के साथ स्ट्राइक रेट के स्ट्राइक रेट मैंने नोट नहीं किया, इसके 124 रन है, कितना बना स्ट्राइक रेट आपने नोट किया? आई थिंक 93 94 93 3 3, चलें आपके कहने में 93। रिजवान के 7 मैच 175, क्या स्ट्राइक रेट? आई थिंक 110 110। ये तो एवरेज निकलेगी स्ट्राइक रेट नहीं, लेकिन हाँ आप सही कह रहे हैं कि देखिए रिजवान और बाबर पे हमारी शुरू से बहुत बहस हुई है, काफ़ी लोगों ने बात की, काफ़ी लोगों ने ट्विटर और सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया। वी नो के वो जब शुरू करते थे दे स्टार्ट ऑफ स्लो और फिर वो बाद में पेस पकड़ने की कोशिश करते हैं,
बट इस टूर्नामेंट में ऑब्वियसली अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर वॉज आउट ऑफ फॉर्म, एक उसकी इनिंग्स थी जिसमें उसने 50 किया। रिजवान वॉज ऑल्सो मोस्टली आउट ऑफ फॉर्म जिसने जो है एक 50 किया पूरे टूर्नामेंट में सिडनी में प्रॉब्ली तो दोनों नहीं मतलब सिडनी में दोनों नहीं। सो देखें बात यह है कि ऑब्वियसली जो स्टार्ट उनसे डिमांड थी जिन स्टार्ट्स की इन दोनों प्लेयरों से वो तो ये नहीं कर सकते। हमारा जो इनके साथ सबसे बड़ा लोगों का या सोशल मीडिया या हमारा इख्तलाफ था कि हाँ आप रन्स करो बट आपका इंटेंट नज़र आना चाहिए, थोड़ा सा तेज़ ऊपर से पावर प्ले में हमें रन्स करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के स्टार्ट्स मिले हैं लोगों को उस तरह ये कर नहीं सके। सो आई डोंट थिंक के इन दोनों को क्या कहें क्योंकि दो साल से तो इतनी आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है जिधर भी ये खेले हैं उधर उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। एशिया में खेले हैं, पाकिस्तान में खेले हैं और किन टीमों के साथ खेले हैं? सर देखिए टीमों में तो आप डिसाइड नहीं करते ना कि किन को बुला के खिलाना नहीं 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 लेकिन आप जब ए कैटेगरी के प्लेयर्स के साथ जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं लेकिन जब सर देखिए बात इन दोनों पे कर रहे हैं ना तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप से जाने से पहले की हम बात कर रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि आप अपनी ओपन पे खेलते हैं आपका मिडिल ऑर्डर उस तरीके से रन नहीं। चेयरमैन तो कह रहे हैं कि इतने अरसे के बाद सेट हुई है ओपन। हाँ वो तो ये कह रहे हैं प्रॉबेबली हर एक अपना ओपिनियन है सो यू कैन नॉट फाइट विद दोज ओपिनियंस। तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे थे और इन दोनों ने स्कोर नहीं किया तो फिर इन दोनों को अगर हम साइड पे कर भी देते हैं और जिस मिडल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे फिर हम उस पर ज़्यादा बात कर लेते हैं कि बेसिकली तो पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में आने से पहले जो पिछले तीन टूर्स थे मेन उनमें सबसे बड़ा फ्लॉ था कि आपने आपका मिडल ऑर्डर। हाँ जी लेकिन उन्होंने किया इस वर्ल्ड कप में आपके ओपनर्स कुछ नहीं साउथ अफ्रीका वाला आप देख रहे हैं क्या ये लेना शान आए 7 मैचेस 145 उसके बबाद इफ्तार 7 मैचेस 114 फिर आपके पास अच्छा हारिस तीन पे हारिस ने टोटल 4 मैच खेले 97 रन शादाब ने खेले हैं 6 मैचेस 7 मैचेस खेले 6 में उनकी बारी आई तो 98 रन उनके हैं जिसमें एक 50 आते हैं। हाँ जी मतलब तो इफ एंड बट्स में होता रहा ना सर। तो नवाज का भी आगे पास नवाज के टोटल 68 रन थे 5 इनिंग्स 7 मैचेस में उसकी 5 देखिए फिर हम बात ये करते हैं ये क्या है इसमें तो किसी पे भी आप नहीं एतवार कर सकते सर। देखिए बात वही आ गई ना कि हम मिडिल ऑर्डर को अपने कह रहे थे हमने देखा इफ्तार ने 2 इनिंग्स अच्छी खेली हमने उसको अप्रिशिएट किया शादाब की वो इनिंग बहुत अच्छी थी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी उसकी अप्रिसिएशन थी। शान ने आज फिर वही कहूंगा शान ने भी बहुत अच्छा खेला शान अच्छा खेला हारिस ने आते साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट किया उसको मौका मिला ठीक है आज के मैच में नहीं कर सका होता है 3 मैचों में उसने आपको स्टार्ट दिया था यू प्रिफर के या सोचते हो कि यार एक मैच में नहीं भी हो सकता क्योंकि उसका खेलने का अंदाज वो है उसका खेलने का अंदाज ऐसा है कि या तो वो आपको टोटली एक स्टार्ट दे देगा या वो अपने शॉट मारते हुए आउट हो जाएगा। सो आप उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे और देखें ही वो समबडी हु वाज एज अ रिप्लेसमेंट कमिंग इनटू द स्क्वाड सो द एक्सपेक्टेशंस वर नॉट विद हिम बट व्हाट 3 इनिंग्स ही हैज प्लेड 30 रन की व्हाट इज द इम्पैक्ट ही क्रिएटेड उससे उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल लुक करें सारी एक दोबारा से हम बात करें उस पर तो पूरी रीडू होने वाली टीम है मतलब वो डिपेंड है करता है हम बॉलर्स की विकेट्स भी देखें निकाल के देख अभी हम इस पे काम कर लेते हैं एक ब्रेक शामिल करना है ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस दौरान सलमान जितने अभी एक्साइटेड हुए जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच एंड में इतने ही जज्बाती थे मैं तो कह रहा था मैंने किसी को बोला मैंने बोला पानी पिला दो जरा सा जहर मिला देना सारी बात ये कि आपके जो कुदरत के निजाम वाला है देखें लेकिन मैं ये कहना भी चौका मार लेते इतनी गंदी गेंद इतनी इतनी शॉर्ट पिच इतनी शॉर्ट पिच ना उसमें मैं कहता हूँ कि हार जीत होती रहती है लेकिन तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही है हालांकि मैं इस मैच को अगर देखूँ
स्टार्ट से, तो ये वर्ल्ड कप लास्ट में वही हुआ, जो टॉस जीत रहा है वही मैच जीत रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर देखें लास्ट मैच में इंडिया ने 170 अच्छा खासा स्कोर टोटल दिया था और इंग्लैंड ने ऐसा मैच खेला कि यार बिल्कुल वो मिसमैच हो गया और 10 विकेट से इंडिया हार गया। उसके बाद सीन आज का मैच था, आज का मैच अगर पाकिस्तान 170 खड़ा कर लेती ना, पाकिस्तान का ये बॉलिंग लाइनअप मैच निकाल देता, गारंटी से निकाल देता, या फिर मुझे नहीं पता शायद बटलर उस तरीके से ना खेलते, फिर कुछ अलग तरीके से खेलते, हो सकता है क्योंकि लिविंगस्टोन भी बैठे हुए थे जो कि काफ़ी खतरनाक प्लेयर हैं T20 के, तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन बट 170 होता तो कुछ मज़ा आता। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली बाबर आजम बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो खेले, वो उनको थोड़ा सा तेज खेलना चाहिए था, और नीचे से जो उस दिन हार्दिक पांड्या ने इंडिया के लिए इनिंग खेली थी वैसी कुछ इनिंग शादाब खान को या इफ्तिकार अहमद को किसी को तो खेलनी चाहिए थी जो कि नहीं आई, और पाकिस्तान 138 ही बना सका, जो कि स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि यार ये लोग तो बहुत जिस तरीके से मैच जीत कर आए हैं इंग्लैंड वाले निकाल देंगे, बट शाहीन अफरीदी की अनप्लेवेबल डिलीवरी यार, क्या मतलब यार, बॉल यार ऐसा जाता है और ऐसा हो जाता है, मतलब बॉल ही थी वो जो एलेक्स हिल्स को आउट किया, उसके बाद सीन ऐसा था कि कुछ मैच फंसेगा, बट बटलर एक तरीके से बिल्कुल रन बनाते ही गए और 5 ओवर में 43-44 रन बना दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जब मुझे लगा कि यार अब ये मैच तो बैन स्ट्रोक ही निकालेगा, क्योंकि बैन स्ट्रोक वैसा रोल प्ले कर रहा है इंग्लैंड के लिए जैसा कि विराट कोहली इंडिया के लिए कर रहे हैं, मतलब वो आउट नहीं होंगे, वो रन बनाते रहेंगे और मैच को लास्ट तक ले जाएंगे, और बैन स्ट्रोक ने ही मैच फिनिश किया। आपको पता होगा 2016 कोलकाता, बैन स्ट्रोक लास्ट ओवर 4 छक्के खाए कॉर्लेस ब्रैथवेट से, उसके बाद फाइनल में खाए थे, उसके बाद बैन स्ट्रोक ने कितना गजब का जवाब दिया है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप जिताया, ये ऐसा प्लेयर होता है, ये कहलाता है रिवेंज। अगर बायोग्राफी बने किसी प्लेयर पर तो बैन स्ट्रोक जैसे प्लेयर पर बननी चाहिए, मतलब यार सीरियसली यार बैन स्ट्रोक डिजर्व, क्या प्लेयर है वो, मतलब ये मैच पे उसने पूरा प्रेशर एब्जॉर्ब किया, अकेले मैच जिताया, हालांकि स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था, बट बैन स्ट्रोक ने आज बॉलिंग भी अच्छी की और T20 वर्ल्ड कप के बाद जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2019 का वो भी उन्होंने जिताया, तो बहुत बहुत बड़े प्लेयर हैं वो। आपको क्या कहना है, पाकिस्तान की टीम को ज़्यादा उदास होने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के लिए मीम्स बन रहे थे कि पहले ही हफ्ते में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर, ये और वो, फिर आपको पता है होता क्या है, पाकिस्तान जीतता है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका हारता है नीदरलैंड से, और सीन ऐसा कुछ होता है कि पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल पहुंचने के बाद पाकिस्तान जीत जाता है न्यूजीलैंड के खिलाफ और पहुंच जाता है फाइनल, मतलब एक तरीके से चमत्कार ही हुआ। और अगर ये मैच पाकिस्तान फाइनल जीत जाता ना, तो डेफिनेटली फिर बहुत ही मतलब रेयर केस होता, लेकिन इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला यार, बहुत ही अच्छा खेल रहा था टूर्नामेंट, हालांकि वो एक मैच गलती से बारिश की वजह से आयरलैंड से हारे, और बाकी तो उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में?